क्या कह रहे हैं वो उनका उसके बारे में? बैंड ने तो यही सोचेगा उसके बारे में, तो वो अभी तो कुंवारी वर्गीय है, वो तो ब्याही वर्गीय है, नहीं रिलेशनशिप में रह रही है। रिलेशनशिप में कोई लड़की ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। हेलो हेलो, मैं तो उसे गला रहूंगा, फिर करूंगा। तो आप क्या कार्रवाई करोगे? जो बातें आप कह रहे थे मीडिया के सामने हम रखे हैं, अभी तो आप जो बातें हैं कुछ कह रहे हैं भाई, इन्होंने आरोप लगाया कि भी झूठ है सारी, और आप फिर भी उसके बाद भी मान नहीं रहे कि मैं नहीं रखूंगा। प्रूफ मैं देने के लिए तैयार हूँ जी, मेरा पूरा अच्छा था। मैं नंबर मांग रहा, नंबर मैं सिम भी दे दूंगी, फोन भी दे दूंगी। ठीक है सर, ये प्रूफ दे देगी। ठीक है, फिर बता तैयार रखने के लिए। मैं नहीं रहता सर इसके साथ, फिर ब्लेम क्यों कर रहे हो? फिर आप ब्लेम सर जो मेरे को, अब जो आप सच, अगर आपके पास सबूत नहीं है, ठीक है, अगर वो बात सच है, ब्लेम नहीं कर सकता कोई, ब्लेम नहीं कर सकता, ब्लेम नहीं कर सकता, कर सकता है सर, मैं ब्लेम कर रहा हूँ। आपके पास सबूत ही नहीं है जो सर मेरे को पता है ना, वो मैंने बता दिया, इसको ही पता है ये बात। आप ये मना करेगी ना? आप क्या बता, शक कर रहे हो? शक तो मैंने तो कर नहीं रही, मैं मना तो कर ही नहीं रही। शक नहीं है सर, इसने खुद कहा मेरे को, हाँ मैंने किया बात। तो बात कर, बात करने से हो के गया, तो 3 साल हो गए बात कर दे कर दे। मैंने तो एक के दिन पूछी थी उसने, बेटा ने मेरे आदमी तो बात करी कि नहीं करी? उससे ऊपर अगर कोई नंबर पाओगे मैं इसके जूत खान जोगी हूँ, पूरे टब्बर के जूत खान जोगी हूँ मैं। ठीक, पूरे टब्बर के। अभी वो चाचा था वो बोल रहे थे, उनको मैंने बताया था, वो उनको बुला लो, कहाँ पे हैं वो? वो दूर रहते हैं थोड़ा। तभी अब दोनों साथ में हैं, अभी इसका क्या सलूशन है, आप क्या चाहते हो? ये तो ये बताएंगे ना सलूशन, मैं तो रहने के लिए तैयार हूँ, ये रखेगा नहीं रखेगा ये तो ये इसके ऊपर, देखो ऐसा वो तो इनके ऊपर ही डिपेंड करे ना, रखेंगे। मैंने तो इन्हें बता दी भी रखनी है कि नहीं रखनी। देखो ऐसा है, आप कितने दिन रहोगे? जिंदगी बर्बाद कर देगा, कर देगा। और परिवार आपका साथ देगा, आपके बच्चे देंगे, आपके परिवार वाले ही साथ देंगे, और दो आदमी सही भी कहेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो 4 आदमी आपको गलत बताएंगे, ऐसे ऐसे गलत किया। अगर आप अपनी पत्नी के साथ रहोगे तो कहीं ना अच्छा भी करेंगे। जो आपने काम किया, क्या संदेश जा रहा है उससे? संदेश तो सर इसने पहले सोचना था भाई, हाँ भाई मैं क्या, 3 साल से रिलेशन में, मैंने इसके सब कुछ, सब 3 साल से रिलेशन में रह रहा हूँ, रह रहा हूँ सर। तो फिर भी कुछ नहीं बिगड़ रहा अगर? तो भाई साहब आप इससे प्यार नहीं करते थे? बहुत करता सर, मैंने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, मैंने तो सारा कुछ करा। ये मना कर दो भी, मैंने इसको कुछ नहीं दिया, मैं कौन सा नाटू और भाई करा नहीं है। दोबारा फिर वो प्यार वो दोबारा करो? मैं तो सारे बाणे बजा लिए, मैंने तो सारे बाणे बजा लिए रहने खातर। जब बेकार होंगी तो मैं इसके खातर धक्के खांदी फिर दी है, आज भी धक्के खांदी फिर हूँ, और इसे खातर धक्के खांदी, उसके गले नहीं रचा लेंदी। मैं तो इसके दिल ने पता मैं खराब थी कि नहीं थी, बोलना चाहते हो भाई? बोल दिया सर, मैं जो बोल दिया। अच्छा, मतलब आप नहीं रहना चाहते? नहीं रहना चाहते, नहीं कोई सबूत आपके पास में, नहीं रहना चाहते हो आप? रहना नहीं चाहते और ये अनुपाय मैं तो आपसे गला रहूंगा। इसे भी आलो आला तो उसका भाई दन्नू आप गले रहने लायक चाहिए है भाई। ये तो मैंने कह दिया इसको, मैं उसे रख ले, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरे बच्चे पाल लूंगी, तू उसके संग रह। वो दूसरी ले आओ फिर भी रहने खातर तैयार हो? हाँ, तो बड़ी बात है भाई, एक महिला अपने बच्चों की परवरिश के लिए इस प्रकार का कर रही है। मैं बच्चे ना तो छोड़कर नहीं जा सकती जी। आपने जो ब्लेम किया ना वो अभी आपको देने पड़ेंगे, सबूत भी देने पड़ेंगे थाने के अंदर। जो ब्लेम कर रहा आपने पकड़ा रंगे हाथ, सिम दे, दे पाओगे? किसी को हक नहीं ब्लेम, हक नहीं है सर, जो इसको पता है वो मेरे को पता है सर। फिर मैं कौन सा झूठ बोलूं? इसके दिल ने पता, अभी मेरे सामने तो झूठ बोला नहीं, बाकी सबके सामने झूठ बोल जाएगी। कल को कोर्ट आपको कहेगी इसका खर्चा दे, इसका पूरा परिवार का खर्चा दे। मैंने क्या ना कुछ करना जी, खर्चा सब कुछ देने को तैयार हूं सर। जो कोर्ट दर्ज करे खर्चा मैं देने को तैयार हूं, बस गल्ला नहीं रहना, मैंने लेना सर। आपने कुछ कहना है जी इसके बारे में? मैंने यूं तो बताओ भाई, क्यों नहीं रहना उसमें? ऐसा क्या है, इसे की बहन है वो भी? वह भी मेरी माँ की जामी है, वह भी मेरी ये बहन है। या फिर ये पुरानी होगी, वो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा ही होगा सर, और क्या, और कुछ नहीं, ऐसा ही है, वो नहीं है, मैं पुरानी हूँ। बस यू तो बह, मैंने 5 से 4 साल फिर वही हालात होने, ये तो कर लेगा कल ने मेरी दी ना, कोई नहीं ब्याह होगा, यू ही कहेंगे इसका बाप घोड़ा था। ठीक है, मैं इस मारे दिहाड़े बर्दी फिरूं, ठीक है, मैं बालका के मारे दिहाड़े बर्दी फिरूं, लेकिन यार अपने स्वाद के मारे दिहाड़े बर्दा फिर है। मैंने कोई स्वाद नहीं लिया है, ठीक है, बालका में तो लिया बात लाग जाएगी। ये रहने के लिए भाई तैयार, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, छोरा तो मेरा बजा के भी ले आएगा, पर छोरी नहीं ब्याही जानती मेरी। बिल्कुल,
उस छोरी के पास दिहाड़े भरने पड़ रहे बस। जब छोरी ना आंदी तो मैं अपने आप ने खत्म करके इसने जमा सौंप दें दी छोरे ने भी, भाई तेरा छोरा रहा और तो उसके गले जिंदगी काट सके। इतने दिहाड़े भरने की सोच ज्यादा है इसके, इतने दिहाड़े भरने की तो लोड़ ही नहीं थी, मैंने मीडिया बुलानी, वहां धक्के खाने, वहां फला धक्का खाना, कोई नहीं गले लाग रहा इस टाइम तो मेरे, कोई घर का नहीं, कोई बाहर का नहीं, कोई पियर का नहीं। तो आपको लगता नहीं इस सोल्यूशन को यहाँ खत्म किया जा सकता है? आप दोबारा इसके साथ रहकर सारा ये मामला खत्म कर दो, जुड़ते को नहीं, क्योंकि 5 साल के बाद उस महिला को भी पुराना होना है जिसके साथ आप रह रहे हैं। बिल्कुल देख लिया, ठीक है, एक बार एक लास्ट चांस हो, एक लास्ट चांस दो, मीडिया के सामने एक लास्ट चांस दो। हम चाहते हैं आपका घर बसे, देखो हमारा ये नहीं होता भी आपका घर उजड़े, हम चाहते हैं आपका घर बसे, आप ये लास्ट चांस और इसको दे दो, देख लो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं मेरे साथ ना रहे, उसे ला के रहे, चांस दे एक बार, ये यूं देखे भाई मेरे बच्चों को मैं अपने पाल भी सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं कमा के मेरा खा लूंगी, ये उसे खिला लेगा, बस मैं यूं चाहूँ मेरे बच्चों पे बाप का सहारा ना उठे, जिस दिन सहारा उठ गया ना। नहीं सर, मैं मेरे बच्चों को छोड़ना चाहता, बच्चे तो मेरे कहीं जाते ही नहीं, ये तो आपने भी पता और कोर्ट ने भी पता ना, ये ले सकता और आपकी पत्नी क्या करेंगे, बच्चे ये ले भी नहीं सकता, यानी मेरे बच्चे गले में दर्द ठोकर ही खा रहे हैं। सब कुछ छोड़ दिया था इसके लिए, माँ बाप ये बोली नहीं जाना चाहती, मैं चल ठीक है ना रहे, चलो एक बात करो, एक बात करो आपने भी झुकना पड़ेगा, आपने भी इनके इनके माता पिता के साथ रहना पड़ेगा, रह लूंगी। बोलो भाई साहब ये सारी बात कबूल करे, मैं सारी कबूल करूंगी, मतलब क्या हो गया हमको, उसकी जिंदगी कोई खराब नहीं होगी, वो रिलेशनशिप में कोर्ट कह सकती है, रिलेशनशिप में एक लड़की रह सकती है, शादी हो सकती है उसकी दोबारा, वो शादी करके थोड़ी गई है इसके साथ, वो तो एक रिलेशनशिप में है, उसके तो अच्छा लड़का मिल सकता, उसकी जिंदगी खराब होने लग रही है, उसकी जिंदगी खराब होने लग रही है, उसकी तो बन सकती है, मेरे बच्चों की और मेरी ना बने जिंदगी, अभी और दो जिंदगी खराब होंगी, उसको चार दिन हो, अगर ये अपने बच्चों को रखे तो एक जिंदगी सबर, तीन चार दिन की सबर, डिपेंड करे तो कोई बात नहीं, चलो एक मीडिया के सामने, आप तो ये बिल्कुल मना कर रही है, चलो एक मीडिया के सामने, ये जानती है मैं जानती हूं, मैंने इसको कितना मना, चलो एक चांस मीडिया भाई जो कर ले होया ना उसको खत्म करके चल, मैं इसकी कोई गलती नहीं है जी, मैं कहती हूं मेरी बहन के साथ है भी नहीं, मेरी गलती है, मैं माफी मांगती हूँ मीडिया के सामने, मैं मांगती हूँ है? अगर आगे तो कोई गलती है मैं बुला लियो, इसका फिर वो कर देंगे जो आप कहोगे, एक चांस तो दो, सबूत तो दोगे, पिछली बातों में सबूत मैं देने के लिए तैयार हूँ जी, सारा रोड़ा ही खत्म हो जाएगा भाई साहब, मैंने तो कुछ कर नहीं सकता, अगर ज्यादा रही मेरे पीयर होगी मैं पीयर भी छोड़ दूंगा, वो तो करे ऊंची करते भी आठ चलोगे और अब ऐसे जाओगे फिर दोबारा चार आदमी ताना मारेंगे, यो बच गया था ऐसे सारी उम्र ये ताना आपने सीधा का, आपके बच्चों ने भी सीधा का, जगह बच्चे हो गए तो मैं ये कहूँ भाई छोड़ दो कोई बात को नहीं, आप वैसे बोल चाल रखने अपनी साड़ी के लिए रखो, लेकिन रखो, मैं को, मना नहीं कर रही, ना रखो ठीक है, ये कर लो कबूल एक बार मीडिया के सामने, कोई गलती है मेरी सारी सुधर जाएगी जी, बोलो भाई बच्चों की सारी, कोई दिक्कत है तो मीडिया उनको छोड़ के आएगा उनके घर में, बिल्कुल नहीं, मैं खुद कोर्ट में लिख के दूंगी मेरी बहन की शादी करी जाएगी और कुछ से कहा नहीं जाएगा, इतना बड़ा कोई बड़ी बात, मैं कोर्ट में लिखवा के मेरे माँ बापों से मेरे मामाओं से जिसके लिए उन्होंने नाम लिखवा रखे हैं सबूत के साथ, तो भी ये खुद ही छोड़ देगी, मैं खुद ही छोड़ के आऊंगी, मैं नहीं मानना चाहता सर, ठीक है जो कोर्ट निर्धारित करेगी, जो कोर्ट खर्चा बनती मैं देने के लिए क्या भाई, ये तो बात नहीं हो, अगर दिया इतनी देर से मीडिया वाले भी कहने लग रहे हैं भाई कोई बात नहीं, जो भी गलती अगली माफी भी मांगली, अगले ने भी कह दिया चलो जो भी होगा, अगर मेरी कोई गलती नहीं माँ बाप के साथ भी रहने के लिए खुद, अगर मैं इसके माँ बाप को दुखी करती हूँ तो मेरे को फांसी की सजा दे दे, खुद ही दे दे, मैंने दूसरे की तो लोड भी नहीं पड़ेगी, और इससे ऊपर तो और जी कुछ हो नहीं सकता, मैं मेरे बच्चों के लिए और कुछ कर नहीं सकता, अब कैसे मान रही है तू, ये पूरी गली का तू कैसे रुक के मारे करती, अब कैसे मान रही है तू, यही लोग हैं, यही लोग हैं ना, हाँ, तो ये लोग लो नहीं कहते भाई तू चला गया मैं चली जाती, किसी के साथ मेरे को रख लेता, नहीं रखता, मैं तो फिर भी अपनाने के लिए तैयार हूँ और मैं घर में रहने के लिए भी तैयार हूँ, लोग वो यही गली है, जात रुक के मार मार के कहती थी कौन है तेरे माँ बाप गंदे भाई, मामी रखना मामी रहने तेरे के माँ बाप, फिर ये माँ बापों के ऊपर करा गया है भाई, माँ बाप जो ना तूने मेरे को खड़ा कर दिया ना, मैंने को करना ठीक है जी, लोग ऐसे ही करें, चाहे गलती मान या सो मान, ठीक है मैंने एक कदम उठा लिया, ठीक है जो ऐसा ही है, हाँ जी बताओ जी, इन्हें तो कह दिया अपना फैसला, ये बाप कहाँ पर ना, मेरा तो यही फैसला है जी, मैं तो यही रहूंगी, इसी के संग रहूंगी, मैं नहीं छोड़ के जाती, आपको नहीं छोड़ना, हाँ चाहे कैसा भी हो, चाहे जूते मारे जी, चाहे उसे ला के घर में रहे जी, चाहे कुछ भी करे, मैं मेरा घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं मेरे बच्चों को लेके कहीं और नहीं जा सकती जी, और ठिकाना मैं टो ही नहीं सकती जी, बच्चे कितने बड़े बड़े, जो लेडीज 8 साल अपने आदमी के साथ रह के वो उसे छोड़ देगी, भूल जाएगी,
वो तो एक स्वार्थ की बात है, फिर स्वार्थ की बात है भाई। एक महिला समझ सकती है ये दर्द, देखो भाई कितने बड़े भाई साहब, देखो ये आपके सामने इतनी बड़ी बात कह दी तो आप फिर भी नहीं बात मान रहे हैं। मैं कोई स्वार्थी नहीं, ना मेरे को कुछ और चाहिए, मैं तो इतना कह रही हूँ अगर उसे भी लाके रहेगा तब भी मैं उसके संग रह लूंगी, मेरे बच्चों को बस, मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो और उस पे से बाप का साया ना उठे, लोगों के माँ का साया उठने के बाद गली में दर दर ठोकर खा रहा है, मेरे बाप के होने चाहते भी ठोकर खा रहे हैं।